हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे लौकी चीला। कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। हम मिक्स आटे से बनाएंगे तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटर बना लेंगे चीला के लिए। तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम एक कटोरी गेहूँ का आटा डाल देंगे, एक कटोरी ज्वार का आटा डाल देंगे, एक कटोरी हांडवो का आटा डालेंगे। अगर आपके पास हांडवो का आटा अवेलेबल ना हो तो आप आधी कटोरी सूजी डाल सकते हो। आधी कटोरी बेसन डाल देंगे। तो हम ये चार आटा मिक्स करेंगे। अब हम मसाले डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच तिल डाल देंगे और एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। चार से पांच हरी मिर्च, चार से पांच लहसुन की कली और एक छोटा अदरक का टुकड़ा, उसकी हम पेस्ट बनाकर डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें तेल डालेंगे। दो टेबलस्पून तेल डालना है। तीन टेबलस्पून दही डालेंगे। एक टेबलस्पून गुड़ डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हो। मिक्स कर लेंगे। अभी हम लौकी डालेंगे। तो मैंने 300 ग्राम लौकी ली है, उसको कद्दूकस करके डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। तो मिक्स हुआ है, अभी हम इसमें पानी डालेंगे। नॉर्मल जो हम बेसन का चीला बनाते हैं वैसा ही बैटर बनाना है। इसमें मसाले आप अच्छे से डालिएगा तो ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। मसाला कम होगा तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो बैटर हमारा बनके रेडी है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। टोटल यहाँ पर मैंने इतने बैटर में 2 ग्लास पानी डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बैटर को हमको सेट होने के लिए रखना है। तो इसको ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम चीला बनाएंगे। तो बैटर हमारा सेट हो गया है, 15 मिनट हो गई है। इसमें हम धनिया डाल देंगे बारीक काट कर। मिक्स कर लेंगे। अब हम चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक तवा गरम करने के लिए रख दिया है। हम पहला चीला बना रहे हैं तो हम पहले थोड़ा सा तेल डाल देंगे, एक छोटी चम्मच जितना, और फैला लेंगे। और एक चम्मच हम बैटर डालेंगे और हम छोटी चम्मच से इस तरीके से फैला लेंगे, गोल बना लेंगे। एकदम पतला पतला फैला लेना है। हम पतले चीले बनाएंगे।
तो ये हमने गोल बना लिया है। थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे साइड्स में और चीला को इसी तरीके से हम सेकने देंगे। अब चीला अच्छे से सीख गया है, हम पलट लेंगे। थोड़ा सा ऊपर हम तेल डाल देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। तो आप देख सकते हो पीछे ऐसा ब्राउन हो गया है चीला। उसी तरीके से हम दोनों साइड ब्राउन कर लेंगे चीला, थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारा चीला अच्छे से सीख गया है। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ कैसे बनाना है चीला। एक चम्मच बैटर रखेंगे, छोटी चम्मच की मदद से हम फैला लेंगे। तो ये हमने फैला लिया है। अभी हम इसी तरीके से इसको सीकने देंगे, तेल डाल देंगे साइड में, ऊपर थोड़ा हम तेल डाल देंगे और इसको हम पलट लेंगे। दोनों ओर हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो ये चीला भी हमारा बनके रेडी है। इसी तरीके से हम सारे चीले बना लेंगे। इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चीला हमने सर्व के लिए एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे चीला बने, एकदम सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके ये लौकी चीला कैसे बने। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप कुकिंग।